दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, इस पार्ट में मैंने फ्रंट कटिंग दिखाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बैक की कटिंग दिखाया है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मत्तीउर रहमान, आप देख रहे हैं मत्तीउर लुक फैशन टेलर। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ कोट की कटिंग, जो आपको सिंपल तरीके से बताऊँगा। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इसकी बैक कटिंग कर चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो जाके देखें मैंने कितने सिंपल तरीके से आपको बताया है। इस वीडियो में आपको फ्रंट कटिंग दिखाएंगे, लास्ट वीडियो में स्लिप कटिंग दिखाएंगे। दोस्तों, ये देखिए बैक की कटिंग, इस तरीके से हमने बैक कटिंग की है। अब इसकी फ्रंट कटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ से 1 इंची छोड़ के एक मार्किंग लगानी है। मार्किंग नीचे तक लगानी है दोस्तों। 10.5 इंच पर इसे हम बैक सीधा करने के लिए एक मार्क लगाएंगे, ताकि हम बैक को सीधा कर सकें। इस तरीके से देखिए इसे बिठाएंगे। अब हम मार्किंग लगाएंगे। तो मार्किंग ऐसे लगाएंगे, ये सारे मार्किंग को हम स्ट्रेट कर लेंगे। जितने भी मार्किंग है सबको स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह आपको वीडियो दिखाते रहें, आप सीखते रहें। यहाँ से इसको ऐसे आगे तक लेके जाएंगे, बैग हटाएंगे। अब इन मार्कों को हम आगे तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। जितने भी मार्किंग हैं सबको ऐसे लगाएं। इसको भी पूरी कर लेंगे दोस्तों। यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंची, सॉरी दोस्तों 2 इंची ऐसे। इसको भी मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। हम चेस्ट नापेंगे, चेस्ट है 33, 4 भाग 8 इंची। यहाँ से हम 1.25 इंची माइनस करेंगे। इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। अब यहाँ से 1.25 इंची प्लस करेंगे, यहाँ से 1.25 इंची प्लस करेंगे। इसको सीधा नीचे तक लेके आएंगे दोस्तों। गला के मार्क लगाएंगे, चेस्ट का 4 भाग रखेंगे। इसको ऐसे सेंटर करेंगे, यहाँ से 1.25 इंची अंदर मार्क लगाएंगे दोस्तों। गले का मार्क लगाएंगे 3 इंच पर। अब लेंथ का मार्क लगाएंगे, लेंथ है 26.5, 1 इंची प्लस करके लगाएंगे। 26.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 27.5 इंची। पॉकेट का मुँह लगाएंगे, लेंथ का 3रा भाग, तो लेंथ है 27 9 27, 1/2 इंच हमारा ऊपर माइनस मार्जिन में जाएगा, तो ये 9 इंची बराबर है। यहाँ से 1 इंची ऊपर काजा रहेगी। यहाँ से पॉकेट का सीधा करेंगे। अब दोस्तों, इस मार्के को हम सीधा करेंगे। दोस्तों, इसको भी हम सीधा कर लेंगे नीचे तक। इससे नहीं लगाना है, इससे जो 1.25 इंच हमने लगाया है उससे लगाना है। इसको ऊपर तक ऐसे लगाएंगे। दोस्तों,
बैग उठाएंगे, बैग देखेंगे कितना है। बैग के पौने सात, तो हम क्वार्टर इंची माइनस करेंगे 6.5 इंची। यहाँ से नहीं लगाना, यहाँ से जो हमने सेंटर में मार्क लगाया था वहाँ से 6.5 इंची। उसके बाद इसको राउंड शेप दे देंगे। बैक ने हमने हमने ये शेप दिया था, फ्रंट में हम ये शेप देंगे। दोस्तों इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे ये मार्किंग को। अब इसको लगाएंगे इधर तक। अब दोस्तों यहाँ हम शेप देंगे इस तरीके से। इससे पहले हम पॉकेट का मार्क लगा लेंगे। पॉकेट का मार्क लगाने के लिए यहाँ से 1 इंची लेंगे, यहाँ से 4 इंची लेंगे या 3 इंची, 3.5 इंची, वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। हमारा साइज छोटा है तो हम 3.5 इंची लेंगे, क्योंकि ये वॉलेट पॉकेट है तो 3.5 इंच पर लगाएंगे। इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से 1/2 इंची लेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, इसको फिर ऐसे लगाएंगे। इसको इसका सेंटर कितना आएगा 3.5 इंच का, इधर 1.25 इंच पर, तो इसको हम नीचे तक लगाएंगे। देखिए यहाँ कितना है 1.5 इंची, तो इधर भी रखेंगे 1.5 इंची। अब इसको ऐसे मार्किंग करेंगे, इसको यहाँ से 2 इंची नीचे से मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंची इधर मार्किंग करेंगे पॉकेट का, यहाँ से पॉकेट रहेगा। यहाँ से 1/2 इंच इसको हम कटिंग कर देंगे, सिलवट नहीं आएगी। अब यहाँ से भी 1/2 इंच हम इसको निकालेंगे, कटिंग करेंगे। अब दोस्तों बैक लेंगे, इससे पहले हम एक मार्क और लगा लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरीके से यहाँ से शेप देंगे। इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच इसको लेंगे। दोस्तों यहाँ से 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से देखेंगे कितना है, तो 13.5 इंच में 1 सूत कम, तो इसको भी हम 1 इंची माइनस करके लगाएंगे। यहाँ जितना है उतना नीचे भी लगा लेंगे इस तरीके से। दोस्तों आप बैक लेंगे, इसको हम नाप के देख लेंगे कितना है। तो देखिए दोस्तों मैंने नाप करके इसको नाप लिया है, तो चेस्ट में 7.5 इंची, वेस्ट में 6 इंची, हिप में है 7 इंची 1 सूत। तो हम इसको किस तरीके से नापेंगे देखिए। यहाँ से 1/2 इंची स्टिचिंग में जाएगा, यहाँ से भी 1/2 इंची, यहाँ से भी 1/2 इंची, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो देखिए 7.5 इंची इधर से रखेंगे। दोस्तों नापेंगे इसको, देखिए कितना आ रहा है, तो 7.5 इंची यहाँ रखेंगे यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे मार्जिन छोड़ के 10.5 इंची
फिर इसको इधर मार्जिन पर रखेंगे। अभी देखते हैं कितना है, चेस्ट सा 33 का आधा 16.5 इंची। अब यहाँ नापेंगे तो ये देखिए करेक्ट है हमारी, यहाँ पे 2.5 इंची आपको लूजिंग चाहिए। वेस्ट में देखते हैं, वेस्ट में 6 इंची, तो यहाँ पे 0.5 इंची माइनस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2 सूत की माइनस। इसे आप अच्छे से मार्क लगा लें। अब 6 इंची टेप को बैक में जो है उसको ऐसे रखेंगे, यहाँ मार्जिन पर रखेंगे, यहाँ पे मार्जिन पर रखेंगे इस तरीके से। वेस्ट है, वेस्ट है 30 इंची, तो इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ कितना है, 1.25 इंची है, तो यहाँ हमको कम से कम 1.5 से 1.75 इंची चाहिए, तो इसको हम 2 सूत इधर कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी मार्किंग कर लेते हैं, सेब स्केल को ऐसे लेंगे, इस तरीके से शेप स्केल को ऐसे बैठाएंगे जहाँ बैठेगा। अब दोस्तों ये वाला मार्किंग करेंगे यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद चौक हमने लगाया था 7 इंच पर, तो इसको 7 इंच पर लगाएंगे, तो 1 इंची माइनस मार्जिन कर देंगे। अब इसको यहाँ से 2 से 2.25 इंची आप रख सकते हैं, देखिए मैं 2 इंची रख रहा हूँ। दो इंची यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, यहाँ से 2.5 इंची राउंड शेप देंगे हम, इसको भी मार्किंग कर लेंगे और राउंड शेप देंगे इस तरीके से, देखिए। इसको भी ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब नेपल का मार्किंग करेंगे, नेपल रखेंगे 1.25 इंची, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2 इंची, 1.5 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची, मैं 1.25 इंची रखूँगा, तो इसको ऐसे मार्किंग करेंगे। ये यहाँ से हमारी बटन आएगी, यहाँ से 2 सूत जैसे हमने यहाँ किया है, तो 2 सूत यहाँ से भी कटिंग करेंगे। अब इसको ऐसे शेप दे देंगे, नहीं तो हम ये वाला स्क्वायर यूज करेंगे दोस्तों, ताकि अच्छे से शेप आए। देखिए दोस्तों अब इसको हाथ से ऐसे दोस्तों, अब यहाँ से 1 इंची मार्जिन रखेंगे, ताकि कभी भी लूज टाइट करना हो तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्जिन रखना ज़रूरी है लूज टाइट के लिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। तो देखिए दोस्तों कितने सिंपल तरीके से मैंने कोट की कटिंग आपको दिखाई, समझ लो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो दोस्तों इधर हम 0.5 इंची मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग के लिए, बाकी हम मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों कटिंग करते हैं।
फ्रंट की कटिंग हो गई है, यहाँ पे कट लगा लेंगे, यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। जहाँ जहाँ हमारा मुड़ेगा वहाँ वहाँ कट लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको नाप के देखते हैं आर्म होल कितना आ रहा है, ताकि हमको स्लिप कटिंग करने में आसानी हो। तो इसको ऐसे रखेंगे दोस्तों, आधा इंची मार्जिन दोनों साइड से, जिसे स्टिचिंग आएगा उतना ऐसे रखेंगे, इधर से आधा इंची, इधर से आधा इंची सेंटर में रखेंगे। बैक लेंगे, बैक को ऐसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अब इसको नाप के देखते हैं, आधा इंच छोड़ के मार्जिन जितना स्टिचिंग में आएगा, तो इस तरीके से गोलाई में नापेंगे। तो देखिए दोस्तों 20.25 इंची। तो अभी आपने देखा कोट फ्रेंड की कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे स्लीव की कटिंग। दोस्तों चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा।